नेहरू प्लेस में एक रियल पंजाबी खाना वाला करके बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका एक प्लेट है जिसमें सारे तरह का सब्जी ये लोग सर्व करते हैं, इनके पास जो जो रहता है। तो चलिए उनको देखते हैं, एक एक करके इनको टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा पंजाबी वाला करके खाना बना हुआ है, देख सकते हो बहुत सारा पंजाबी का नाम लेके यहाँ पे दुकान खुला हुआ है। यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं बेसिकली रियल पंजाबी खाना वाला के पास, तो चलते हैं देखते हैं इनके पास क्या क्या है। ये हो गया आपका शाही पनीर आ गया विद राइस, पनीर विद राइस, पनीर विद राइस, सोया चाप, राजमा, दाल मखनी, कड़ी पकौड़ा, आलू, शाही पनीर और छोले, येलो दाल, मिक्स वेज, ये आपके आ रही है राइस के साथ। अच्छा, और यही सेम कॉम्बो आपका रोटी के साथ है। रोटी के साथ आता है। रोटी आपको तंदूरी मिल जाएगी, तवा मिल जाएगी, पराठे आ रहा है, सब मिल जाएगा। तो इससे क्या बन रहा है अभी? अभी पालक है। पालक पनीर पालक बन रहा है। उधर पूरी वगैरह के लिए भटोरे और पूरी। अच्छा, भटोरे और पूरी, देख सकते हो यहाँ पे पीछे में ऐसा सीन है। यहाँ पे पालक वगैरह गरम सब्जी होते रहता है और वहाँ पे भटोरे वगैरह निकलते रहता है। अगर किसी को तावा रोटी वगैरह चाहिए तो यहाँ पे तावा रोटी वगैरह भी मिलता है। यहाँ पे आटा और मैदा दोनों आपको चॉइस दिया जाएगा, किस तरीके का आपको चाहिए। आटा का भी मिलेगा, मैदा का भी मिलेगा, आपको जो करना है खाने में आपको पसंद है वो चीज़ खा सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन से आपको ढेर सारा यहाँ पे सब्जी दिख जाएगा। हमको लगता है 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 8 तरह का सब्जी यहाँ पे लगता है मिलता है। देखते हैं क्या चीज क्या चाहिए। तो भैया एक प्लेट मेरा लगवा दीजिएगा। तो ये देखो यहाँ पे चावल आ गया, बहुत ही बेहतरीन, एकदम खिला हुआ है चावल, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन। ये क्या हो गया भैया? ये छोले है। छोला हो गया, देख सकते हो यहाँ पे छोला आ गया मस्त। और ये क्या हो गया भैया, बताते जाइएगा। कड़ी हो गया, ये देखो चाप का पीस, देखो कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा चाप का पीस है। ग्रेवी, ग्रेवी का थिकनेस वगैरह जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये देखो। और यहाँ पे ये क्या चाहिए भैया? ये सर मिक्स वेज है। मिक्स वेज है, ये देखो यहाँ पे आ जाए मिक्स वेज, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। और ये देखो, ये सर होता राजमा, राजमा हो गया, ये देखो यहाँ पे आ गया राजमा। ये आपका शाही पनीर, ये सब्जी होती है शाही, ये सब्जी हो गया। ये देख लो इस तरीके का सब्जी वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एक प्लेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमको लगता है लगभग 7 सब्जी मिल रहा है इसमें। छह सब्जी होती है देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, ऐसा सीन है प्लेटर का। और देख लो यहाँ पे भी कुछ कुछ नया आइटम आ गया, तो ये सब चीज देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि पहले ही बना के रखा रहता है यहाँ पे, गरम वगैरह करते रहते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर आते जाता है पूरा फास्ट फूड यहाँ पे चलते रहता है। तो ये हो गया हमारा प्लेटर, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन देखने में लगा। चलिए इसके बाद टूट पड़ते हैं खाने के लिए, वो बढ़ते हैं। इन लोग से थोड़ा पूछ लेते हैं, भैया आप लोग खाना खा रहे हैं, छोला भटूरा आप लोगों को कैसा लग रहा है? टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। आप क्या बोलना चाहेंगे मैम, कैसा लग रहा है? अच्छा, आप लोगों को छोटे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको छोला भटूरा पसंद है कि चॉकलेट? छोले भटूरे, अरे वाह छोटी। देख सकते हो लोग यहाँ पे छोला भटूरा वगैरह खा रहे हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं खाने के साथ। तो लग रहा है खाना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और भी लोग कुछ कुछ खा रहे हैं। तो इन लोग लगता है लगभग कंप्लीट कर चुके हैं अपना खाना। तो इन लोग से पूछते हैं, भैया टेस्ट में कोई कमी है किसी को लगा? कोई, सब ओके? तो देख सकते हो सब कोई खुश है, अपना सब कोई कॉन्सेंट्रेट होकर खाना खा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन से पूरा पैक है ये। तो देख सकते हो ये रहा हम लोग का प्लेटर, बहुत ही ज़्यादा गर्म है चावल वगैरह। तो यहाँ पे 3 तरह का बहुत सारा आइटम हमको मिल चुका है, तो अब इसको टेस्ट करने का समय आ चुका है। तो टेस्ट करते हैं, पहले जानना चाहेंगे हम इसका छोला के साथ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पता नहीं क्यों छोला के साथ ज़्यादा प्रेम हो गया है। तो ये देखो छोला देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, इसको एक बाइट लिया जाए। छोला स्पाइसी एकदम नहीं है, आपको इसको एकदम टैंगी सा फ्लेवर आएगा, मतलब खट्टापन चटपटा टाइप का लगेगा। ये बहुत ही बेहतरीन लगा हमको। स्पाइसी अगर आप नहीं खाते हो तो ये आपके लिए है। अभी ये रहा इनका कढ़ी, देखते हैं कढ़ी का क्या हाल है। ओ, पहले ग्रेवी के साथ कढ़ी का, ये देखो ये भी, इसका भी एकदम पूरा एकदम बेसिक टेस्ट है। आपको घर वाला जो टेस्ट है ये ना, तो आपको ये यहीं पे मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन लगा हमको, इसका बड़ा देख सकते हैं,
बड़ा वगैरह देख लो किस तरीके से सॉफ्ट है, एकदम बेहतरीन तरीके से एक चम्मच में कट जा रहा है ये देखो। ये था इनका दूसरा आइटम। अब इनका तीसरा आइटम देखते हैं हम लोग, ये है राजमा। तो राजमा को ट्राई किया जाए। वैसे दिल्ली में राजमा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोग यहाँ पे राजमा खाना प्रीफर करते हैं। ये देखो ये हल्का सा स्पाइसी है, मतलब मसाला तीखा नहीं है, लेकिन आपको मसाला वगैरह ना वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और राजमा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीझा हुआ है, आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। और इसका जो मेन पार्ट आता है इसका पनीर का, देख सकते हो पनीर किस अमाउंट में दिया हुआ है, इतना बड़ा पीस है देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है। इसका पीस लिया जाए, ये देखो ये पनीर का पीस और चावल और इसके साथ ग्रेवी। इसका जो ग्रेवी है ना, लगता है कि टमाटर वगैरह का पूरा यूज़ किया जाता है इसमें। आपको जब इसको टेस्ट कीजिएगा तो आपको पूरा टमाटर का टेस्ट आएगा। और जो पनीर है पूरा एकदम सॉफ्ट है और खट्टापन आपको नहीं देगा, पनीर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बचा मेरे पास दो आइटम जो बेहतरीन है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक है मेरा मिक्स वेज और एक है चाप। तो पहले चाप खा लेते हैं, मिक्स वेज लास्ट में खाएंगे क्योंकि वो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखो ये चाप का सीन है, चाप को ये लिया जाए। चाप एक्चुअली एक स्ट्रीक में आता है देख सकते हो, ये सोयाबीन का रहता है देख सकते हो इस तरीका से। ये एक आइसक्रीम स्टिक होता है ना, उस तरीका से इसमें दिया जाता है। ये देखो इस तरीका से है। अब इसका बाइट लिया जाए, ये ठीक है इसका, ठीक है। और लास्ट में जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो है हमारा मिक्स वेज, देख सकते हो मिक्स वेज कैसा है, बहुत ही बेहतरीन। इसका मिक्स वेज के साथ लेते हैं ये, मिक्स वेज हमको नाराज एकदम नहीं किया। अगर इसमें से सबसे ज़्यादा हमको अच्छा लगा ना वो मिक्स वेज है, उसके बाद पनीर है, वो बहुत ही बेहतरीन लगा। तो इसके लिए हमको 160 रुपये पे करना पड़ा। अगर आपको ग्रेवी चाहिए एक्स्ट्रा तो वो आपको मिल जाएगा, अगर आपको चावल चाहिए एक्स्ट्रा तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो इस तरीके का प्लेट है, ऐसा टेस्ट है इसका। तो मिलते हैं आगे की ओर। चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया कर देना। खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।